IBN 24 न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ मुस्कान चौधरी। अगर आप वाहन चालक हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि चाहे अब आप वो फोर व्हीकल्स चलाते हो या फिर टू व्हीकल्स चलाते हो या फिर अन्य प्रकार का कोई भी वाहन चलाते हो तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है, क्योंकि ट्रैफिक विभाग द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है। अगर आपने जो है ट्रैफिक विभाग की इस एडवाइजरी को फॉलो नहीं किया तो आपको अपनी मनपसंद गाड़ी से हाथ धोना पड़ेगा, चाहे वो आपकी टू व्हीकल्स हो या फिर फोर व्हीकल्स हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। अगर आप इन ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ट्रैफिक रूल क्या कुछ है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ट्रैफिक विभाग द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है कि आपकी गाड़ी के अगर ई चलान का नाम तो सभी ने सुना होगा, क्योंकि आज के समय में ऑनलाइन ई चलान जो है वो कहीं इधर देखने को मिलते हैं। पहले समय की अगर हम बात करें तो पहले समय में लोगों को रोक कर गाड़ियों को साइड में लगाकर चलान किया जाता था, लेकिन बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ साथ ई चलान जैसा सिस्टम जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर आपने अपनी गाड़ी का ई चलान नहीं भरा है, 8 ई चलान अगर आपने अपनी गाड़ी का नहीं भरा है तो आपकी गाड़ी ब्लैक लिस्टेड हो सकती है। आपको मनपसंद गाड़ी से हाथ धोना पड़ेगा, आपको चाहे आपको आप चाहे बाद में कुछ भी कर लो, वे बाद में आपको कुछ भी नहीं हो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आपकी गाड़ी या तो फिर कबाड़ में बेचेगी बिक जाएगी, उसके बाद अगर आप इंश्योरेंस क्लेम भी करना चाहोगे वो भी नहीं कर पाओगे गाड़ी ब्लैक लिस्टेड होने की वजह से। अगर आपने जो है आपके पास 8 ई चलान आए हैं, 8 ई चलान आपके पास आ चुके हैं, आप ये सोच रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं तो नेक्स्ट टाइम एक ही बार जितने भी चलान है वो मैं भर दूंगा, नेक्स्ट करते करते इसी तरह से आपकी गाड़ी ब्लैक लिस्टेड हो सकती है। तो ये खबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी गाड़ी के 8 ई चलान नहीं भरे हैं तो अब जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी गाड़ी के वो ई चलान भर दीजिए, चाहे वो 8 हैं चाहे वो 10 हैं, जल्द से जल्द वो ई चलान भर दीजिए। अगर आप ई चलान भरने के बिना ही घर से बाहर अपनी मनपसंद गाड़ी लेकर निकलते हो तो आपकी गाड़ी ब्लैक लिस्टेड हो सकती है। और आप सभी जानते हैं कि ब्लैक लिस्ट होने के बाद गाड़ी ना यहाँ की रहती है ना फिर वहाँ की रहती है। सबसे पहले आपने अगर 8 ई चलान नहीं भरे हैं तो आपके फोन पर जो नंबर लिंक होगा उसके साथ, तो आपके फोन पर एक मैसेज आएगा जिसमें ट्रैफिक विभाग द्वारा एक नोटिस दिया जाएगा कि आपने अपने 8 ई चलान नहीं भरे हैं, आप ये ई चलान 10 दिन में भर दीजिए। अगर आप 10 दिन में वो ई चलान नहीं भरते हैं उसके बाद जो है 10 दिन के बाद आपकी गाड़ी ब्लैक लिस्टेड की जाएगी, बिना बात किए बिना बताए, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी गाड़ी कबाड़ में बिकने के काबिल होगी, कबाड़ में बिकने के लायक जो है वो आपकी गाड़ी रह जाएगी, ना ही आप अपनी गाड़ी किसी और को बेच सकते हैं और ना ही आप अपनी गाड़ी जो है घर में रख सकते हैं, क्योंकि ब्लैक लिस्ट होने के बाद गाड़ी फिर कहीं की नहीं रहती। तो ये खबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी प्रकार के वाहन चालक हैं, चाहे आप टू व्हीकल्स चलाते हो या फिर फोर व्हीकल्स चलाते हो या फिर अन्य प्रकार के कोई भी वाहन चलाते हो, तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ट्रैफिक विभाग द्वारा ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है, आप इस खबर को सबके साथ साझा कीजिए जाके, ताकि जिन लोगों ने, क्योंकि आज के समय में हर एक घर में टू व्हीकल्स हो या फोर व्हीकल्स हो सबके पास गाड़ी है, तो आप ये खबर उन सबके साथ साझा जरूर कीजिए, ताकि जिन लोगों ने अभी तक अपने 8 चलान नहीं भरे हैं उनकी गाड़ी को ब्लैक लिस्टेड होते हुए बचा लो। सब तक ये खबर जरूर शेयर करें ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि ट्रैफिक विभाग द्वारा क्या कुछ एडवाइजरी जो है वो जारी कर दिया। आप बने रहे IBN 24 न्यूज के साथ, मैं मुस्कान चौधरी। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।